सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो पेज नंबर 10 है उसके एग्जांपल्स जो इंटेक्स क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्व करते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. सो ये सब्सटेंस कौन सा है एक्स आपको बताना है जो वाइट वॉशिंग के लिए काम में आता है. तो इसमें टू क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसमें फर्स्ट है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. ठीक है, कि इस जो केमिकल है ये एक्स इसका नेम क्या है एंड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है तो आपको ये बताना है. तो इसके आंसर देखते हैं कि जो सब्सटेंस एक्स होता है तो वाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaO. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्विक लाइम. राइट, अब हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है. सेकेंड क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबाउ विद वाटर. ठीक है, अब देखिए जो वाटर है उसके साथ इसके रिएक्शन को आपको दिखाना है कि रिएक्शन कैसे करता है. जो एक्स सब्सटेंस है आपको पता चल गया एक्स क्या है, एक्स हमने लिया क्या है, एक्स सी ए ओ जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, या फिर क्विक लाइम, या फिर क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. राइट, ये है इसका नाम. जब हम इसकी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो हमें मिलता है स्लेक्ट लाइम. ठीक है, स्लेक्ट लाइम सी ए ओ एच का होल ट्वाइस. राइट, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम, ये क्या है, क्विक लाइम. तो वाटर के साथ रिएक्शन ऐसे देता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर एंड नेम दिस गैस. क्वेश्चन को समझते हैं. देखिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में से ही आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे. इसमें पूछा गया है कि जिस तरीके से एक्टिविटी है तो इसमें एक कोई प्लास्टिक का मग है, इसमें दो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके एंड इनमें फिट कर दिया गया है जो ग्रेफाइट रोड होती है उसको. ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं, एक कैथोड है, एनोड है एंड इन दोनों को ही एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, एंड जो मग है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है. तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ये दिखाई गई है. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो गैस का अमाउंट है वो डबल दिखाई दे रहा है एंड जो दूसरी वाली है उसमें डबल नहीं, उतना ही अमाउंट नहीं है, उसमें लेस अमाउंट है. तो ऐसा क्यों है एंड ये जो गैसेज हैं वो कौन सी है, तो ये आपको नाम बताना है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा. ठीक है, ये आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी. इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इसका आंसर अब क्या होगा, बिकॉज द वाटर गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस हाइड्रोलाइज हो रही है. ठीक है, हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को इवोल्व करता है. राइट, सो क्या होगा, After hydrolysis, two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen gas is released. Hence, the amount of the hydrogen collected would be double than that of oxygen. समझ गए? तो water के hydrolysis में ये reaction होती है, जैसे H2O है, ये water होता है. तो इसमें hydrogen जो होगी, जब electrolysis होगा in the presence of electricity, इसका breakdown होगा, तो two molecules of hydrogen एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, तो वन को हम लिखते नहीं है तो ऐसे ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं. तो इस वजह से इसका अमाउंट डबल हो जाता है एंड इसका हाफ रह जाता है इन कंपैरिजन टू दिस. ओके, तो यही होता है, इसको बैलेंस कर देते हैं. तो हम बोल सकते हैं अगर टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो उसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है, एंड ये एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगी एंड ये कैथोड के ऊपर.
ठीक है। तो ये होती है इसके अंदर प्रोसेस।